हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंद्रकांत कोटेचा आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। इस बार कोमल स्वर बांसुरी पर कैसे बजाते हैं इसकी चर्चा करेंगे। पहले काफ़ी थाट के सिर्फ ग और नी, ये दो स्वर कैसे बजाते हैं, इसका कैसे प्रयोग होता है, कैसी प्रयुक्तियाँ होती हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। वैसे सबको मालूम है कि सा के बाद रे और रे के बाद ग, रे के बाद वाला जो स्वर है आधा खोलेंगे तो कोमल ग बजेगा, और इसी तरह प के बाद ध और फिर आधा खोलेंगे तो कोमल नी बजेगा, ऐसा सबका मानना है। लेकिन इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो होल है आधा नहीं खोलना है, बहुत कम 20% के करीब करीब ही खोलना है। ये सा रे, ये कोमल ग है, करीब करीब 20% के आसपास ही खोलना है सा रे ग। अब ये कोमल ग को इस तरह से खोलने के भी कई तरीके हैं। कुछ कुछ राग में या कुछ कुछ फिल्मी गानों में ये म के कण से आते हैं, कोई रे के कण से आते हैं, कोई सा के कण से आते हैं। कण स्वर लेके कोमल ग कैसे बजाना, इसकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, तो इसकी हम अभी बात करेंगे। वैसे कोमल ग और कोमल नी बजाने के कुछ एक्सरसाइज मैंने यहाँ रखी है, वो पहले आप देख लीजिए कि कोमल ग की प्रैक्टिस फिंगरिंग में एक्सरसाइज कैसे करते हैं, ताकि अपनी जो फिंगर है वो कोमल ग बजाने के लिए एकदम रेडी हो जाए। पहले तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप देख लीजिए। पहले रे ग, रे ग, रे ग, रे ग, फिर ग रे, ग रे, ग रे, ग रे, इसी तरह से बहुत सारी हैं। रे ग, ग रे, रे ग, ग रे, रे ग, ग रे, फिर सा रे ग, सा रे ग, सा रे ग, ग रे सा, ग रे सा, ग रे सा, फिर सा रे ग, ग रे सा, सा रे ग, ग रे सा। इस तरह से मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ लिखी है, आप सब देख लीजिए, सब वन बाय वन बजाइए। कुछ है सा ग म, म ग सा, म बजाते वक्त आप कोमल ग के ऊपर आधी ऐसे रख के फिंगर रखे हुए म बजाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सा ग म, म ग सा, बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आप सारी एक्सरसाइज हर रोज सुबह शाम 20-20 बार बजाएंगे, ग वाली और नी वाली भी, तो आपका कोमल ग और कोमल नी बहुत परफेक्ट हो जाएगा। नी भी इसी तरह से प ध, ये नी सा, सा नी ध प, प ध, ये कोमल नी और सा, सा कोमल नी ध प। कभी कभी प के बाद डायरेक्ट ध बजाए बगैर डायरेक्ट नी बजाना पड़ता है, क्यारेक सा के बाद, क्यारेक रे के बाद नी बजाना पड़ता है, रे नी, तो ये सब देखना पड़ता है राग के हिसाब से। तो हम अभी इसकी चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज तो मैंने सभी यहाँ लिख दी है, आप सारी एक्सरसाइज करते रहिएगा। देखना करीब 20% के करीब करीब ही होल खोलना है, ज़्यादा खुल जाएगा तो गलत बजेगा। अभी बात करते हैं कोमल ग की। तो कोमल ग में ऐसा है कि कहा जाता है जिस राग में आप कोमल ग बजा रहे हैं उसके हिसाब से उसकी श्रुति तय होती है। कुछ राग में बहुत बारीक श्रुति, मतलब बहुत कोमल ग बजाया जाता है, कुछ राग में थोड़ा सा ऊंचा कोमल का बजाया जाता है। मैं आपको उसका कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए, पहले हम राग पीलू की बात करें, तो पीलू में कैसे कोमल का होता है,
नि सा रे प सा रे ग रे ग। इस तरह से सा के बाद रे के बाद तुरंत ग है, इसमें यहाँ म का कण नहीं है, लेकिन जब रिटर्न में आते हैं तो म के कण वाला भी आता है। देखिए तो ये पीलू में देखिए पहले कैसे ग बता है, पनी सारे ग रे ग, तो ये एकदम सिंपल बहुत कोमल ग बजता है और किसी कण के बगैर, पनी सारे ग रे ग। अब आगे वाला जो ग है वो म के कण वाला है, देखिए ग रे स नी प नी नी सारे प ग स नी सा, तो रे प ग स नी सा, तो ये कैसे बताए। ये देखिए प ग ग, कोमल ग पर एक फिंगर रख के फिर म और ग, म का कर्ण लेके ग, प ग स नी सा, तो इस तरह से कोमल गई इसमें बजता है। अभी देखिए शिवरंदी रख की बात करते हैं, तो ये शिवरंदी राग है, इसमें कोमल ग किसी कण के बगैर बजता है। प द सा रे ग प ग रे द सा रे ग प द सा द प ग रे, तो इसमें कोई कण स्वर नहीं आता है, म का कण तो वर्जित है इसमें शिवरंजनी राग में, तो इसमें फ्लैट कोमल ग बजता है। अभी आगे देखिए भीमपलासी की बात करते हैं, इसमें आरोह में और अवरोह में दोनों जगह पे म के कण के साथ ग कोमल को बजाया जाता है। देखिए ग म प नी सा ग, मतलब ये म ग ऐसा होता है, नी सा म ग म प प ग, तो प म ग रे सा, तो भीमपलासी में ऐसे होता है। मार्कोंस की बात करें तो ये मालकंस में जो कोमल ग है कभी सा ग म डायरेक्ट भी बजता है, कभी कण के साथ भी बजता है, सा म ग म ग सा ग म ध नी सा सा नी ध म ग सा, तो यहाँ दोनों तरह के ग का प्रयोग होता है, कब कैसे करना है ये समझ में आ जाए तो फिर म के कण के साथ और कण के बगैर भी बजा सकते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं मधुवंती में, मधुवंती में म शुद्ध है ही नहीं, तीव्र म है, तो तीव्र म के साथ कोमल ग कैसे बजता है, इसका इसकी जो कोमल ग की श्रुति है थोड़ी ऊंची है, थोड़ी पीलू और शिवरंदी के जो कोमल ग है उससे ये मधुवंती का कोमल ग थोड़ा ऊंचा बजता है। आप देखिए सा ग म प, तो नी सा म ग म प नी सा ग, तो म तीव्र के कर्ण स्वर को लेकर कोमल ग बजाते हैं, तो नी सा म तीव्र म म ग म प
तो यहां पे कोमल का इस तरह से आता है। आगे मिया मल्हार देखते हैं। के कण के साथ यहां पे कोमल ग बजता है। पग तो ये देखिए कैसे है। प ग मरे सा, तो ये प में सब बंद है। पग म थोड़ा खोल के तुरंत बंद करना है, फिर ग प मग। तो प के साथ म के कण से जो कोमल ग बजाते हैं वो ऐसे बजता है। प मग मरे सा, पग बोलते हैं, पग मरे सा, और बजता है कैसे, प मग मरे सा। तो ये कोमल ग में बहुत बारीकियां हैं, ये सब देखनी है। बाकी आप एक्सरसाइज जितनी लिखी है सारी करेंगे तो कोमल ग आरोह और अवरोह दोनों में बजाना सीख जाएंगे। इसी तरह से आगे बात करते हैं कोमल नी की। देखिए राग सारंग में कोमल नी। पनी प, तो यहाँ कोई कर्ण स्वर नहीं लिया, सीधा पनी प प नी प मरे। रे म पनी प मरे नी सा। अब इसी को औरों में जब नी कोमल लेते हैं सा के बाद तो कैसे कोमल स्वर नहीं लेते हैं, देखिए। सा का ही कर्ण लेके सा सनी प मरे नी सा। अब देश राग में रे म प नी द प मगरे गनी सा। तो यहां नी कोमल ऐसे ही आ जाता है किसी कर्ण स्वर के बगैर। रे म प नी द प, अब इसी को अवरोह में लेते हैं देश राग में ही। जैसे वंदे मातरम में सुजलाम सुफलाम, तो कैसे होता है, सार नी द प पद मगरे, तो सारे नी द प देखिए।
मियां मल्हार में भी कोमल नी दो तरह से आते हैं, और वहां तो दो नी पास पास में आते हैं, शुद्ध नी और कोमल नी। नी द नी सा, पहला नी कोमल है, दूसरा नी शुद्ध है। नी द नी सा रे प ग मरे सा मरे प म प नी द नी प म प नी द नी सा सा नी द नी प ग मरे सा। तो देखिए कैसे होता है। वैष्णव जन तो तेने कही है, बहुत फेमस भजन है। तो यहां पे जो कोमल नी बजता है वो साग के कण से बजता है। खमाज में कोमल गा। अभी जोग राग की बात करते हैं। सागम पनी प पनी प, ये सारंग के जैसे ही आ रहा है। यहाँ सा का कर्ण नहीं है, सीधा प नी प प नी प। यहाँ जो
कोमल ग है वो सा के कण से आ रहा है। सा ग सा सा ग म प नी प ग म ग सा ग म सा ग सा। तो इस तरह से कोमल ग और कोमल नी जब सा के कण से ध के कण से या ग है तो म के कण से सा के कण से रे के कण से अलग अलग तरह से आते हैं, उसकी श्रुतियां भी कभी कभी अलग अलग होती है। तो ये ध्यान में रखते हुए कोमल ग और कोमल नी बजाना चाहिए। कोमल ग और कोमल नी की बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने यहाँ आपके सामने रखी है, करीबन 40 जितनी है। सारी एक्सरसाइज आप 10-10 20-20 बार हर रोज एक दो महीना तक बजाएंगे तो आपके कोमल ग और कोमल नी बहुत पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आप कोमल ग और कोमल नी वाले कोई भी गीत या कोई राग की बंदिश आसानी से बजा पाएंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं कोमल रे और कोमल ध किस तरह से बजते हैं इसकी एक्सरसाइज और अलग अलग गीतों में या अलग अलग रागों में इसका कैसे प्रयोजन होता है, कौन से कर्ण स्वर के साथ कौन सा स्वर बजता है, कौन सा कोमल रे कौन से कर्ण स्वर के साथ कैसे बजता है, इसकी बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको कोमल ग और कोमल नी का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमको बताइए, कमेंट कीजिए और ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, आपको और इस तरह के ट्यूटोरियल आते रहेंगे। हाँ, अगर आपकी कोई चॉइस है, आपको कुछ पर्टिकुलर बात का ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी आप हमें बता दीजिए, हम उसका भी ट्यूटोरियल बना के आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करेंगे। मैं चंद्रकांत कोटेचा आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।